हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अखिलेश दुबे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज हंटर पे। फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर 4 का आखिरी पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि पार्ट 5 है। इस चैप्टर का नाम था एक्वाटिक इकोसिस्टम। हम लोग इसमें काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं इस और ये शंकर आईएएस की एनवायरमेंट किताब का पोर्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम लोग पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। पार्ट 5 में बेसिकली हम लोग कोरल रीफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोरल रीफ्स बेसिकली होते क्या हैं, इनके बारे में जानते हैं हम लोग। तो कोरल रीफ्स बेसिकली एक टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। कैसे ऑर्गेनिज्म हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। अच्छा, ऑर्गेनिज्म में भी ये प्लांट है कि एनिमल है? तो आंसर ये एनिमल है। तो कोरल लीव्स बेसिकली कैसे एनिमल है? लिविंग एनिमल है, ठीक है। अच्छा चलिए, जानवर हैं। फिर इनकी एक खास बात ये है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है कि दो ऑर्गेनिज्म एक साथ मिल करके इकोसिस्टम में जब सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं तब उसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये हम समझ चुके हैं कि कोरल लीफ क्या है थोड़ा बहुत। अब हम ये समझते हैं कि कोरल लीफ पाए कहाँ जाते हैं, कैसे होते हैं, क्या सिस्टम है इनका। तो समझिए इसको, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम समझाऊंगा। मान लीजिए ये हमारा टेरेस्ट्रियल इलाका है, ये हमारा पथरीला इलाका है और इधर ओशन है, ठीक है। ये क्या है? ये है ओशन, ठीक। और ये हमारा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का इलाका जो कि हमारा कोस्ट बोलते हैं आप इसको हिंदी में, इंग्लिश में मतलब कोस्ट बोलते हैं, हिंदी में तट बोलते हैं। तो इस तट पर क्या होगा, इस तट से चिपके चिपके एक टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको बोलते हैं कोरल रीफ। वो उगना चालू कर देते हैं, ऐसे ऐसे उगेंगे, ये यहाँ तक उग गए, ठीक है। अब क्योंकि हमने पढ़ा है कि वेटलैंड इकोसिस्टम में कोरल रीफ एक पार्ट होते हैं, तो वेटलैंड इकोसिस्टम यहाँ ये तो होगा नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेप्थ है, तो यहाँ हम लोग इसको ओशन डिक्लेयर कर चुके हैं। लेकिन ये वेटलैंड इकोसिस्टम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डेप्थ कैसी है, कम है। तो ये एक तरीका का कैसा है, वेटलैंड इकोसिस्टम है। तो चलिए, डेप्थ कम हो गई। अब इसी इलाके में जो है हमें कोरल रीफ देखने मिलेगा उगता हुआ। तो कोरल रीफ बेसिकली कर क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ जो ये तटीय वाला इलाका है, कोस्टल वाला इलाका है जो कि ओशन से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ इस टेरेस्ट्रियल बॉडी से भी जुड़ा हुआ है, इस टेरेस्ट्रियल बॉडी के ऊपर उगना चालू कर देता है कोरल रीफ, ठीक है। ये जानवर है जो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है कॉलोनी के फॉर्म में और यहाँ पर उगना चालू कर देता है और उगने के बाद एक लेयर बना देता है और ऐसे लेयर को हम लोग कोरल रीफ बोलते हैं। अब एक के बाद एक लेयर एक के ऊपर एक इकट्ठा होती चली जाती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो धीमे धीमे क्या होता है कि ये ऊपरी सतह से हमको देखने पर लगता है कि यहाँ पर कोरल रीफ इकट्ठा हो गए हैं, ठीक है। और ऐसे टाइप के रीफ को जो यहाँ पर चिपके चिपके बनते हैं लैंड से या फिर कोस्ट से, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है, FRINGE, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फ्रिंज रीफ या फिर फ्रिंजेस भी बोलते हैं इसको। तो ये सब हमारा हो गया इस कोरल रीफ को लेकर के। अब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है ये समझ लेते हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को समझने के लिए समझिए कि मान लीजिए इस इलाके में कोरल हैं, तो कोरल कैसे रहते हैं, देखिए कोरल की फोटो दिखाता हूँ मैं आपको, ये होते हैं कोरल, ठीक है। कैसे हैं कोरल? ऐसे हैं, ठीक है। तो अब इन कोरल की खास बात देखिए कि ये एक लेयर ये वाली हो गई, एक लेयर ये वाली हो गई, तो लेयर के ऊपर लेयर यहाँ बनती चली जाती हैं। और एक कोरल को अगर मैं उठा लूँ कोई, जैसे मान लीजिए मैं इस कोरल को उठा लूँ और यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ठीक है, तो इस कोरल के अंदर खूब ढेर सारे हिस्से होते हैं, ऐसे ऐसे करके मैं बताऊँ तो ये देखिए हर एक हिस्सा है। तो ये एक हिस्सा हो गया कोरल का, ये एक हिस्सा हो गया किसका, कोरल का। तो इन कोरल के हिस्सों को जो है हम लोग पॉलिप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलिप्स, POLYPPS, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉलिप्स। तो ये जो पॉलिप्स होते हैं इनकी खास बात ये है कि इसके इन पॉलिप्स के अंदर अपने ये एक टाइप का एल्गी रखते हैं, एल्गी बोलिए या बैक्टीरिया बोलिए, वो रखते हैं और उस एल्गी का नाम होता है ज़ूनथैली, ठीक है। क्या होता है? ज़ूनथैली। तो ये नाम होता है उस एल्गी का, ज़ूनथैली। और ये जो एल्गी है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ज़ूनथैली, जो कि इन कोरल रीफ्स के पॉलिप्स के अंदर रहता है, ऐसी खास बात यह है कि ये एक तरीके का प्रोड्यूसर होता है, ये अपना खाना खुद बना सकता है, ठीक है। तो ये जो ज़ूनथैली है ये कोरल के ऊपर रहता है पॉलिप के अंदर, ठीक है, और इसके और खाना बनाता है, ठीक है, और वो खाना जो है कोरल को देता है अपना खाना जो इसने बनाया होता है। तो इससे कोरल जो है वो जिंदा रह पाते हैं, कोरल रीफ्स क्या पाते हैं, जिंदा हो पाते हैं। और उसके बदले में कोरल रीफ ज़ूनथैली को क्या देते हैं, तो आंसर है प्रोटेक्शन। किस तरीके से प्रोटेक्शन, जो भी दिक्कतें होंगी वो कोरल लीफ झेलेगा और ज़ूनथैली को इसके बदले प्रोटेक्शन मिलेगी और वो ज़ूनथैली जो है वो जिंदा रह पाएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ ज़ूनथैली को रेगुलर सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कौन दिलाता है, ये कोरल लीफ से दिलाते हैं, ठीक है, क्योंकि कोरल लीफ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट को बनाते हैं। ये कोरल लीफ का एक
प्रोसेस होता है कि कोरल लीफ क्या करते हैं कि अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ओशन से, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करते हैं CaCO3 के फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें जो होता ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली जब कोरल लेते हैं तब ये जून थैली को भी मिल जाता है, तो ये जून थैली जो है अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है इसी कार्बन डाइऑक्साइड से काम में लाता है। ठीक है, तो जून थैली बेसिकली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाता है, वो खाना कोरल लीफ के साथ शेयर करता है, कोरल लीफ इसको प्रोटेक्शन देता है और सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ये दो चीज़ें। ठीक है, और इसी के साथ साथ जून थैली को ये एक फ़ायदा मिलता है क्योंकि कोरल, हमने देखा यहाँ पर कि कोरल बेसिकली कहाँ होते हैं, ये होते हैं जहाँ पर लैंड और वाटर मिल रहा हो। ठीक है, तो शैलो वाटर में रहते हैं, तो शैलो वाटर में खास बात ये होती है कि इनके अंदर सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट कर पाती है, तो सनलाइट आराम से पहुंच जाती है यहाँ पर। अगर ये कोरल के अंदर ना रह करके यहाँ कहीं रहें ओशन बेड पे, तो यहाँ सनलाइट इनको नहीं मिलेगी, इन जून थैली वाले एल्गी को। ठीक है, तो बेसिकली कोरल की वजह, कोरल के अंदर होने की वजह से जून थैली को अपना ये जो है ये एडवोकेट लाइट भी मिल जाती है, सनलाइट मिल जाती है। ठीक है, तो हमने देखा कि जून थैली को क्या क्या मिल रहा है, प्रोटेक्शन, सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एडुकेट लाइट। बदले में कोरल क्या क्या दे रहा है, मतलब ये जून थैली कोरल को क्या क्या दे रहा है, जून थैली कोरल को दे रहा है उसका खाना, उसके जीवन में रहने के लिए उसकी मदद कर रहा है। ठीक है, तो कोरल इन रिटर्न इज प्रोवाइडेड विद कार्बन कंपाउंड फॉर एनर्जी, मानी कि फूड, ठीक है, कैल्सिफिकेशन के लिए भी और न्यूट्रिएंट फ्लक्स के लिए भी। इसका क्या मतलब है कि फूड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है कोरल को जून थैली की वजह से, जब जून थैली कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। दूसरी तरफ कोरल लीव्स का हमने एक चीज़ देखा कि कोरल लीव्स क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को वो कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो ये कैल्सिफिकेशन बेसिकली करते क्यों हैं, क्योंकि कोरल लीव्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आसपास कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन की लेयर बनाते हैं, ताकि वो एक थोड़ा सा एक्सोस्केलेटन के रूप में काम करे, बाहर के रूप में, बाहर के एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करे। ठीक है, न्यूट्रिएंट फ्लक्स यानी कि अगर न्यूट्रिएंट्स आसपास ज़्यादा हो जाते हैं तो इन कोरल लीव्स को जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ओशन में, तो ये उनके उनसे बचने के लिए भी, उनसे उनके अंदर मीडिएट करने के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड भी काम में लाते हैं। तो कोरल को बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, कार्बन कंपाउंड मिल रहे हैं कोरल को, जिससे उनको एनर्जी मिल रही है, कैल्सिफिकेशन करने की पावर मिल रही है। ठीक है, कोरल का नेचुरल कलर वाइट होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर जून थैली मौजूद है, तो जून थैली का जो कलर होता है, जो जून थैली के टिश्यूज़ में कलर होता है, उस कलर के थ्रू कोरल को भी कलर मिल जाता है। तो जून थैली के अलग अलग कलर हो सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं येलो हो सकता है, पिंकिश हो सकता है, ग्रीनिश हो सकता है, ब्राउनिश हो सकता है, अलग अलग टाइप के कलर हो सकते हैं। जैसे जैसे कलर होंगे वैसे वैसे कलर ये कोरल लीफ आ जाएगा। ठीक है, ये कलर के बारे में हो गया। और दो टाइप के हमको कोरल लीफ देखने मिलते हैं, एक होता है सॉफ्ट कोरल, एक होता है हार्ड कोरल। सॉफ्ट कोरल के एग्जांपल देखें तो वो हो जाएगा सी फैंस, और एक टाइप का सी फैन जिसका नाम होता है गॉर्गोनियंस, वो भी माने नाम लिखा हुआ है, तो सी फैन का ही एक सब टाइप है, फिर एक एग्जाम्पल है गॉर्गोनियंस। ठीक है, और एक किसका एग्जाम्पल है, सॉफ्ट कोरल का। ठीक है, हार्ड कोरल जो होते हैं वो रीफ्स बनाते हैं, कोरल लीफ्स के फॉर्मेशन में काम करते हैं। सॉफ्ट कोरल कोरल लीव्स के फॉर्मेशन में उतना ज़्यादा सहायक नहीं है, उतना ज़्यादा काम नहीं करते, लेकिन हार्ड कोरल कोरल लीव के फॉर्मेशन में काम करते हैं। और इन कोरल लीव्स को बनाता कौन है, पॉलिप्स, जो हम देख चुके हैं। और ये पॉलिप्स बेसिकली है क्या, इनके अंदर के टाइनी एनिमल्स, जो कोरल हैं, कोरल के अंदर के टाइनी एनिमल्स को हम लोग पॉलिप्स बोलते हैं, और इन्हीं पॉलिप्स के ऊपर जून थैली रहते हैं। ठीक है, तो पॉलिप्स धीमे धीमे ग्रो करते हैं, अपनी लाइफ टाइम को जीने के बाद डाई कर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो जब ये मरते हैं तब ये क्या करते हैं कि अपना जो पॉलिप्स जब मर जाते हैं तो अपना लाइमस्टोन जो उन्होंने कैल्सिफाई किया हुआ था, जो लाइमस्टोन का स्केलेटन उन्होंने बना लिया था कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर करके कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको वो मरने के बाद अपने पीछे छोड़ जाते हैं। तो वो जब छोड़ गए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर इन लोगों ने अपना कैल्सिफिकेशन के बाद अपना स्केलेटन छोड़ दिया है, तो एक स्केलेटन के ऊपर दूसरा स्केलेटन भी आ गया। जैसे ये वाली लेयर है, मान लीजिए इस लेयर में पॉलिप्स मर गए तो स्केलेटन अपने छोड़ गए, तो ये स्केलेटन यहीं रह गए, लेकिन इनके ऊपर जो नई पॉलिप लेयर आई है, ये वो नई पॉलिप लेयर है जो कि जिंदा है अभी, उसके ऊपर जब ये मर गए, जब ये वाली लेयर मर गई तो इसके ऊपर एक नया लेयर आ गया, फिर ऐसे करके कर नई लेयर आती चली जाती है। ठीक है, फिर जब वो मर जाते हैं और इनका स्केलेटन यहीं पे पड़ा रह जाता है, तो इनके ऊपर एक नई कॉलोनी आती है पॉलिप्स की। ठीक है, और वो जिंदा कॉलोनी होती है, जब वो मर जाती है तो इनके ऊपर भी एक और नया लेयर आ जाता है, फिर वो मरने के बाद इनके ऊपर नया लेयर, तो ऐसे चलता रहता है। और इस तरीके से जो है कोरल लीव्स का फॉर्मेशन ग्रो होता रहता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें कोरल लीव्स ऐसे ऐसे इलाकों में देखने मिलेंगे जो ओशन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के संगम में आते हैं, जैसे कि हमें देखने मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ देखिए
ग्रेट बैरियर रीफ आपको देखने मिल जाएगा, ग्रेट बाइट के रूप में देखने मिल जाएगा, ग्रेट बैरियर रीफ के रूप में अलग अलग एरियाज में। यहाँ पर इंडिया में जो आइलैंड्स हैं हमारे अफ्रीका के, जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पर बहुत ढेर सारा देखने मिलेगा। वेस्ट कोस्ट में जहाँ गुइनिया है वहाँ देखने मिल जाएगा। यहाँ पर साउथ चाइना सी में काफ़ी देखने मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर अटलांटिक ओशन में ब्राज़ील के कोस्ट पर देखने मिल जाएगा। मैक्सिकन गल्फ़ में काफ़ी देखने मिल जाएगा आपको, ठीक है। साथ ही साथ आपको मेक्सिको की थोड़ा कोस्ट पर भी देखने मिल जाएंगे, तो अलग अलग इलाकों में देखने मिलते हैं। साथ ही साथ गुजरात का जो रीजन है वहाँ पर भी, और सऊदी अरबिया का जो रीजन है वहाँ पर भी आपको देखने मिल जाएगा। तो ये सब काफ़ी कुछ हो गया इसको लेकर के। ये मेनली जो कोरल्स होते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में ही पाए जाते हैं, जैसे कि अगर ये इक्वेटर है तो इक्वेटर के ऊपर जो ट्रॉपिकल रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन है थोड़ा सा, और इक्वेटर के नीचे जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ तक आपको देखने मेनली मिलते हैं। हालांकि कोल्ड इलाकों में भी कुछ कुछ कोरल्स देखने मिलते हैं, पर वो कोरल जो होते हैं पानी के काफ़ी नीचे होते हैं, पानी के ऊपर या फिर शैलो वाटर में नहीं होते, ठीक है। तो उन कोल्ड कोरल्स के बारे में भी पढ़ते हैं हम लोग आगे। तो ये बेसिकली एक टाइप का सॉफ्ट कोरल है, ठीक है। सॉफ्ट कोरल जो हमने भी एग्जांपल यहाँ देखा था, जैसे कि गॉर्गोनियन, तो ये गॉर्गोनियन का ही एक एग्जांपल है, सी फैन का एग्जांपल है ये। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सी फैन, ठीक है, इट्स नोन एज गॉर्गोनियन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फोटो के लिए था बस, आप देख सकते हैं कि इस टाइप के भी चमकीले कोरल होते हैं। फिर इनके फीचर्स होते हैं कोरल रीफ के कुछ, इनके जो शेप्स होते हैं वो ब्रांच्ड हो सकते हैं, ब्रांच मतलब कि ऐसे हो सकते हैं ये कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे निकले हुए हों, ठीक है। कोरल्स कोई ज़रूरी नहीं कि लेयर बाई लेयर ही हो, ब्रांच्ड में भी हो सकते हैं। फिर टेबल लाइक हो सकते हैं कि ऐसे ऐसे हों, ठीक है। मैसिव कप के फॉर्म में हो सकते हैं, कप का फॉर्म आप समझ रहे हैं, ये वाला जो अभी हमने देखा, ये कैसा है, कप का फॉर्म है, ठीक है। तो इस टाइप के फॉर्म में भी हो सकते हैं। बोल्डर्स यानी कि बड़े बड़े पत्थरों के फॉर्म में भी हमें देखने मिल सकते हैं कोरल्स। तो बोल्डर्स के फॉर्म में देखें तो ये देखिए, ये एक बड़े पत्थर के फॉर्म में कोरल है, ठीक है। फिर साथ ही साथ ये जो है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, क्योंकि इनको जो है गर्म टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। गर्म टेम्परेचर चाहिए होता है अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस का, इससे कमी हो इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर चाहिए होता है, इसके इक्वेलेंट हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो इतना लगभग लगभग टेम्परेचर चाहिए होता है अगर इनको अच्छे से वहाँ सर्वाइव करना है। तो साथ ही साथ वहाँ का पानी क्लीन होना चाहिए और गर्म होना चाहिए पानी, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो वे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और ऐसे इलाकों में इन लोग की वजह से हाई बायोडाइवर्सिटी देखने मिलती है, ठीक है। अब कोल्ड वाटर कोरल जो एक बच गया था सब ट्रॉपिकल रीजन में ना होने के बावजूद, तो वो हमें डीप ओशन में देखने मिलते हैं, कि मतलब ये ठंडे पानी में भी होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में भी आपको कुछ कुछ कोरल्स देखने मिलते हैं। वो अलग टाइप के कोरल होते हैं जो कि डीप ओशन में पाए जाते हैं, ओशन के सतह पे यहाँ पर नहीं देखने मिलेंगे, लैंड के पास यहाँ पर देखने मिलेंगे, ठीक है, काफ़ी डीप ओशन में, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल जो हमें देखने मिलता है वो है रॉस्ट रीफ, जो कि आपको नॉर्वे में देखने मिल जाएगा, ठीक है। रॉस्ट रीफ की अभी फ़ोटो दिखाता हूँ मैं आपको, ये है रॉस्ट रीफ, ठीक है। ये देखिए ओशन का सतह यहाँ पर ऊपर है कहीं पर, ठीक है, और ये जो बेंथिक लेयर है, बेंथिक लेयर पे उगा हुआ ये रॉस्ट रीफ है, यानी कि एकदम सतह पर ओशन बेड पे आपको ये देखने मिल रहा है। साथ ही साथ ये रॉस्ट रीफ की साथ ही साथ 6 और डिफरेंट स्पीशीज़ भी पाई गई हैं, ठीक है, जो कोल्ड वाटर कोरल्स की हैं। इसी के साथ जो टेम्परेचर चाहिए होता है कोल्ड वाटर कोरल को, वो होता है 39 डिग्री फ़ारेनहाइट से 55 डिग्री फ़ारेनहाइट का, इतने के बीच में टेम्परेचर में आपको कोल्ड वाटर कोरल देखने मिल जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे कोरल खूब ढेर सारे नंबर में आजकल हमें देखने मिल रहे हैं। फिर जो कोरल हैं वो स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये इनकी कॉलोनी बहुत तेज़ी से स्प्रेड नहीं करती, धीमे धीमे स्प्रेड करती है। साथ ही साथ जो इन कोरल्स के अंदर एल्गी रहते हैं या फिर बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है, उनका जो जून थैली होता है, उनका नाम जून थैली होता है ना, जो उनके अंदर रहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं, वो फास्ट ग्रोइंग होते हैं। तो दो चीज़ें देखिए, कोरल्स खुद तो स्लो ग्रोइंग है, लेकिन इनके अंदर जो पिगमेंट मौजूद है जिनकी वजह से वो जो ऑर्गेनिज्म है जून थैली, वो कैसे हैं, वो फास्ट ग्रोइंग है। कोरल जो है वो न्यूट्रिएंट पुअर वाटर में रहना पसंद करते हैं, यानी कि ऐसे वाटर जहाँ पे न्यूट्रिएंट कम हो, मतलब कि ऐसा वाटर जहाँ पे सॉल्ट्स कम हो, सोडियम कम हो, पोटेशियम कम हो, साथ ही साथ और भी चीज़ें जो मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सब कम हो, तो उन इलाकों में कोरल आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे, ठीक है। और एक कैपेबिलिटी भी होती है इनमें, ठीक है, टू रिसाइकल स्कैर्स न्यूट्रिएंट, इट इज़ वेरी लार्ज। स्कैर्स न्यूट्रिएंट मतलब कि ऐसे न्यूट्रिएंट जो ज़्यादा देखने नहीं मिलते हैं हमको, ठीक है, उनको रिसाइकलिंग करने की पावर भी इन कोरल्स के पास होती है। बेसिकली कोरल क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स को कंजर्व कर सकते हैं, पर वो न्यूट्रिएंट पुअर वाटर, यानी कि ऐसे इलाकों में जहाँ पर न्यूट्रिएंट कम हो वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं।
साथ ही साथ इनको एक नाम भी दिया गया है, कोरल सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशंस, क्योंकि ये ओशन में उगने वाले इकलौते ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की वजह से खाना बनाने में सक्षम है। ठीक है, और भी प्रोड्यूसर्स हैं लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसलिए इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये नाम है बस, ये बेसिकली याद रखिएगा। फिर ये सब कुछ फीचर होगा इसके। इसी के साथ साथ जो है हमें देखने मिलता है कि इससे कुछ फंक्शंस भी हैं। ये कोरल रीफ्स कुछ काम भी करते हैं। क्या क्या काम करते हैं? दे एक्ट एज प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट इरोजन एंड स्टॉर्म सर्च। स्टॉर्म सर्च क्या होता है? मान लीजिए ओशन में कोई तूफान आया, कोई आंधी आई, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर ये मान लीजिए ओशन है और इसमें कोई तूफान आया तो इसमें वेव्स पैदा होती हैं और ये उठ करके यहाँ पर आ सकती हैं, ये ऐसे आ सकती हैं, सुनामी टाइप में आ सकता है काफ़ी कुछ, हाँ लहरें उठ करके पानी की ऐसे आ जाएँ। तो ऐसे सर्ज को रोकने के लिए अगर यहाँ कोरल मौजूद हैं ऐसे बड़े बड़े, तो ये जो कोरल हैं ये इन सर्ज को रोक सकते हैं, स्टॉर्म सर्ज को, ये जो पानी की लहर आ रही है स्टॉर्म की वजह से, आंधी की वजह से, और इनको यहीं पर 90 से 95% इनकी इंटेंसिटी जो है वो कम कर देंगे। ठीक है, तो ये कोरल सी खास बात होती है। इसी के साथ साथ इरोजन को भी रोकते हैं। इरोजन को कैसे रोकते हैं? क्योंकि जिस लैंड पर ये टिके रहते हैं उस लैंड के सॉइल को ये लोग होल्ड कर लेते हैं, और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट भी अपने साथ उगाते हैं। ठीक है, उगाने में उनकी मदद करते हैं, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट भी इरोजन को रोकते हैं साथ ही साथ। तो देखा जाए तो काफ़ी काम करते हैं एक साथ मिल करके पूरे पूरे इकोसिस्टम के। दे कैप्चर प्लैंकटन फ्रॉम वाटर। प्लैंकटन दो टाइप के हमने पढ़े रखे हैं, एक फाइटोप्लैंकटन होता है, एक होता है जूप्लैंकटन। तो जूप्लैंकटन बेसिकली हीटरोट्रॉफ होता है, कंज्यूमर होता है, फाइटोप्लैंकटन जो है प्रोड्यूसर होता है, और दोनों ही फिश फूड होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों ही फिश खाती हैं। ठीक है, इन दोनों ही फिश के आहार हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो हमारा कोरल रीफ है उसका एक फंक्शन ये भी है कि ये अपने जू जोन थैली के लिए जो इसके अंदर रहते हैं उनके खाने के लिए ये कोरल लीफ जो है प्लैंकटन को, यानी कि जो फिश से खाना होता है वो वाटर से कैप्चर करता है। ठीक है, उनके न्यूट्रिएंट्स को कैप्चर करता है और अपने आप को फीड कराने के लिए जून थैली को, अपने अंदर के जून थैली को फूड कराने के लिए, फीड कराने के लिए उनको कैप्चर करता है। साथ ही साथ ये जो कोरल लीफ है हम पढ़ चुके हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसर है, जो इसके स्केलेटन के तौर पर काम करते हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए, और ये प्रोवाइड करता है सबस्ट्रेट टू मैंग्रोव्स। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं उनको कई टाइप के न्यूट्रिएंट्स भी ये प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सबस्ट्रेट हेयर। ठीक है, उसी के साथ साथ ये हैबिटेट होता है कोरल लीफ फॉर लार्ज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना लाइक एविफोना। तो एविफोना नाम एक चिड़िया का नाम है। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइप के फ्लोरा फौना को जो कि एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल वाइल्ड लाइफ दोनों में हमें देखने मिलती है, तो ऐसे केसेस में हमें ये देखने मिलेगा कि ये बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करते हैं जैसे बाकी वेटलैंड इकोसिस्टम करते हैं। एविफोना एक चिड़िया का नाम है, उसकी फोटो देख लेते हैं। ये देखिए, ये है एविफोना। ठीक है, वैसे ये मुझे इसको देख करके विंडोज 7 का गेम था जो कि पजल के रूप में था उसकी याद आ गई। एनीवेज चलिए शुरू करते हैं। एक और चीज़ जो है कि कोरल रीफ्स का क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे होता है, उनको हम लोगों ने किस किस बेटे से बांट रखा है। तो हम लोग बात करें तो एक होता है फ्रिंजिंग रीफ, एक होता है बैरियर रीफ, एक होता है एटॉल। तो इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रिंजिंग रीफ आप ये देखिए कि ये एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम था ऐसे करके। ठीक है, इसके इसके ऊपर ये धीमे से एक इसकी बाउंड्री में लगे लगे इसके साथ जो है हमें एक रीफ उगता हुआ देखने मिला। ये रीफ कोरल रीफ ही है क्योंकि ये पानी देखिए, जैसे ये पानी है, ये पानी है ना यहाँ पे। ठीक है, तो इस पानी में और ये यहाँ पर आपको रीफ देखने मिला। तो ये जो रीफ है ये फ्रिंजिंग रीफ है क्योंकि ये लैंड के साथ उगा है। ठीक है, और वाटर के थोड़ा सा ऊपर है, तो ये फ्रिंजिंग रीफ है। इसी टाइप के रीफ को फ्रिंजिंग बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ और, अगर ये फ्रिंजिंग रीफ धीमे धीमे अलग तरीके से बिहेव करने लग जाए तब ये बैरियर रीफ हो जाता है। कैसे, समझिए इसको। मान लीजिए ये फ्रिंजिंग रीफ था, इसकी एक थोड़ा सा ग्रोथ हुआ। कैसे ग्रोथ हुआ मैं समझाता हूँ आपको। ये फ्रिंजिंग रीफ आप समझ ही चुके हैं, बैरियर रीफ को देखते हैं। अगर ये पानी था ऐसे, ठीक है, ये पानी था, ठीक। अब यहाँ पर ये कभी फ्रिंजिंग रीफ ऐसे डेवलप हुआ होगा, ठीक है ना, फ्रिंजिंग रीफ ऐसे डेवलप हुआ। ठीक, अब ये फ्रिंजिंग रीफ डेवलप हो चुका था, ऊपर से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई रीफ है, ऊपर देखने पे ओशन के ऊपर भी दिख रहा है रीफ। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है कि ये जो नीचे वाला रीफ है अब इसको इतनी ज़्यादा सनलाइट नहीं मिल पा रही। तो रीफ ने क्या किया, अपने आप को यहाँ ज़्यादा ग्रो किया, और ग्रो करते 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 ये और ऊपर आ गया ऐसे। तो आपको पता है कि जो नीचे वाली लेयर होती है रीफ की वो डेड होती है, तो यहाँ तो डेड रह गया, जो ऊपर वाली लेयर है रीफ की वो अभी भी जिंदा है, यहाँ पर पॉलिप्स जिंदा हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है इस चीज़ को, तो ये ऊपर आ गई है वैसे, और ये कैसे हो गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ देखने मिल रहा है कि यहाँ पर एक छोटा सा लेक का फॉर्मेशन हो गया,
जो ओशन से अलग हो गया है, और इसी लेक को हम लोग लैगून बोलते हैं क्योंकि ये सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है, जो कि कोस्टल एरिया में पाया जा रहा है। तो ये देखिए, और ये जो उठा वाला एरिया है ना, वही बैरियर रीफ में यहाँ दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो इसके साथ अटैच्ड है लैंड के साथ, उसको नहीं दिखाया गया है। और ये जो पानी अंदर देख रहे हैं, ये एक तरीके का लैगून ही है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट बैरियर रीफ। अब बात करते हैं एटॉल की। तो एटॉल बेसिकली कैसे होता है कि एटॉल में ये एक सिस्टम आ सकता है कि ये जो आपका लैंड एरिया था यहाँ पर, ये अगर लैंड एरिया आपका सबसाइड कर जाए, ऐसे झुक जाए नीचे की तरफ, तब क्या होगा? तब ये होगा कि ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ पानी आ जाएगा, क्योंकि तो लैंड तो यहाँ नीचे झुक चुका है। तो अगर ये एक ऐसे बैरियर रीफ था जो ऐसे इधर भी तो होगा, मतलब कि अगर ये इधर निकला हुआ है बैरियर रीफ, तो दूसरे साइड वाले लैंड लैंड के दूसरे साइड भी होगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं वॉल्केनो के दूसरे साइड भी बैरियर रीफ है, लेकिन जैसे ही ये वॉल्केनो नीचे की तरफ घुस जाएगा, तो क्या हुआ, यहाँ पूरा पूरा पानी आ गया। और ऐसे पानी को जो चारों तरफ से बैरियर रीफ यानी कि कोरल रीफ से ढका हुआ हो, उस टाइप के हम लोग कोरल रीफ को एटॉल बोलते हैं, ठीक है। और ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं तीनों टाइप के रीफ्स, इनको समझते हैं, इनके जगहों के नाम को याद करते हैं। तो लोकेशन देखें तो ये जो फ्रिंज रीफ है, जो ये वाला रीफ था जो कि एकदम लैंड के साथ चिपके हुए ओशन में बनता है, वो है आपको पाया जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है। ये हमारा बेसिकली आइलैंड ग्रुप है साउथ इंडिया में। फिर पैच रीफ करके एक रीफ होता है। पैच रीफ क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर फ्रिंज रीफ बना है, तो यहाँ पर ही एक थोड़ा सा और है, कहीं पे एक रीफ बना है किसी और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की वजह से, यहाँ पर बना है किसी लैंड की वजह से, यहाँ बना है। तो इसके आजू बाजू जो छोटे बहुत रीफ बन जा रहे हैं जो कि इससे डिटैच्ड हैं और पैचेस के रूप में दिख रहे हैं ओशन में, इन्हीं को हम लोग पैच रीफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पैच रीफ है, ये हमें पाल्क स्ट्रेट नाम आपने सुना होगा, तो उसी के पास में पाल्क बे है इंडिया में, तो उसमें देखने मिल जाएगा, गल्फ ऑफ मन्नर में देखने मिल जाएगा, गल्फ ऑफ कच्छ में देखने मिल जाएगा जो कि गुजरात में है। तो इन इन जगहों पे पैच रीफ देखने मिलेगा। बैरियर रीफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, लक्षद्वीप आइलैंड में, लेगून में देखने मिल जाएगा। बैरियर रीफ हम देख चुके हैं ये होता है, ठीक है। इसी के साथ एटॉल्स जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप में देखने मिल जाएंगे। फिर इन्हीं इलाकों में जहाँ जहाँ रीफ उगते हैं, कुछ टाइप के ग्रासेस उगते हैं जैसे कि सी ग्रासेस होते हैं जो कि उगते हैं, कवरती आइलैंड पर आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। एटॉल एटॉल मतलब बेसिकली ये जो सी ग्रासेस हैं, ये आपको एटॉल में ग्रो करते हुए दिखते हैं। वो कैसे दिखते हैं मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये एटॉल है। तो एटॉल में यहाँ पर थोड़े बहुत सी ग्रासेस आपको ग्रो होते हुए मिल जाएंगे इस सी के आजू बाजू में, ठीक है। अराउंड द रीफ, अराउंड द कोरल रीफ आपको इस टाइप की चीज़ें उगते हुए मिल जाएंगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जो एटॉल है, इनके आसपास सी ग्रासेस ग्रो कर रहे हैं। और ये एक बेसिकली एग्जाम्पल के रूप में आप याद कर लीजिए कि कावर्ती नाम का एक आइलैंड है जहाँ पर एक एटॉल बना हुआ है, ठीक है, वो बेसिकली अटॉल का ही आइलैंड है, ठीक है। तो कावर्ती आइलैंड में सी ग्रासेस हमें ग्रो करते हुए पाए पाए मिलेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मैंग्रोव्स आपको देखेंगे देखने मिलेंगे कोरल लीव्स के पास में, क्योंकि तो कोरल लीव्स मैंग्रोव्स को सपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। फिर थ्रेट है काफ़ी कोरल लीव्स को भी। थ्रेट किस तरीके का है? थ्रेट इस तरीके का है कि नेचुरल कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ये खतरे में है, कुछ इंसान करते हैं एंथ्रोपोजेनिक है जिनकी वजह से खतरे में है। तो क्या क्या है वो देखते हैं। तो वॉयलेंट स्टॉर्म, अगर बहुत भयंकर तूफान आता है ओशन में, तब ऐसी चीज़ें होती हैं, ओशन का लेवल राइज कर जाए, फ्लडिंग आ जाए, तब होगा ऐसा। हाई और लो टाइड आते रहते हैं, सॉरी, हाई और लो टाइड तो साथ ही साथ आते रहते हैं, हाई एंड लो एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए अचानक से जो कि कोरल रीफ्स के लिए सुटेबल ना हो, या बहुत ही कम टेम्परेचर हो जाए जो कि सुटेबल ना हो, तब इनके ऊपर थ्रेट है, इनके एग्जिस्टेंस के ऊपर। एल नीनो और एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ये ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट है, ये टोटली ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट है। इनकी वजह से जो है नेचुरल रूप से कोरल रीफ को नुकसान पहुंचता है। अब एल नीनो और एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन को आप अलग से समझ सकते हैं, ज्योग्राफी का टॉपिक है, आप खुद से समझिएगा, बताना चाहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी अभी के लिए इतना जान लीजिए कि एल नीनो और एनसो जैसे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो फिनोमिना हैं, इनकी वजह से क्या होता है कि जो ओशियन है, ओशियन में जो ऊपर का गर्म पानी होता है, जिस गर्म पानी की कोरल रीफ्स को जरूरत होती है, वो हट जाता है, किसी और एरिया में पहुंच जाता है, और इसके बदले जो ओशियन का नीचे वाला ठंडा पानी होता है, उसकी अपवेलिंग होती है, वो ऊपर उठाता है, क्योंकि ऊपर का गर्म पानी हट गया है, कहीं और चला गया है। तो जब ये कोल्ड वाटर ऊपर आ गया, तब इधर के कोरल रीफ्स को दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली एल नीनो और एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन से हो जाता है जो गड़बड़ होती है। फिर एक चीज़ और होती है नेचुरल में, वो है कि सब एरियल एक्सपोजर। सब एरियल एक्सपोजर में ये होता है कि अचानक से किसी वजह से जो यहाँ पर रीफ था, जो यहाँ पर रीफ था पानी के अंदर था, ठीक है, जिसको बहुत कम एक्सपोजर मिल रहा था, पानी के लेवल के नीचे आने की वजह से, या फिर
टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को नीचे आने की ऊपर चले जाने की वजह से, ठीक है, लैंड के ऊपर चले जाने की वजह से ये जो है ये ऊपर की तरफ अब अचानक से एक्सपोज हो जाता है एयर के थ्रू। अब एयर का एक्सपोजर इसको मिल चुका है, तो अब जो भी हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं वो इसको देखने मिल सकते हैं, किसको, कोरल रीफ को। तो ये दिक्कत होती है, इसी को बोलते हैं सब एरियल एक्सपोजर। प्रिडेटरी आउटब्रेक, कोई बीमारी हो जाए एक कोरल पॉलिप में जो सब में फैल जाती है, ठीक है। एपिजूटिक्स, एपिजूटिक्स भी बेसिकली बीमारी को लेकर के ही है, को हम लोग आगे पढ़ेंगे इस पूरे नेचुरल थ्रेट को, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट में आपको केमिकल पॉल्यूशन देखने मिलता है, जिसकी वजह से पेस्टिसाइड और कॉस्मेटिक्स, और जो आपको देखने मिलेगा कि मतलब इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और ये जो फर्टिलाइजर्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, इनकी वजह से उनको बहुत हार्म होता है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से हार्म होता है। न्यूट्रिएंट ओवरलोडिंग जब हो जाती है ऐसे एरियाज में जहाँ पर ये प्रेजेंट हो कोरल रीफ्स, न्यूट्रिएंट हद से ज़्यादा मात्रा में आते हैं, तब दिक्कत होती है। शिपिंग वाले कामों में दिक्कत होती है, ड्रेजिंग वाले कामों में दिक्कत होती है। शिपिंग आप समझ ही रहे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल रूट पे। टूरिज्म में अगर डेवलप होता है तब वहाँ पर इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, जो ह्यूमन आते हैं वहाँ पे ह्यूमन का इंटरफेरेंस बढ़ जाता है। माइनिंग एक्टिविटीज़ तो हमेशा से ही डिस्टर्ब करते हैं इकोसिस्टम को। फिशिंग अगर एक्सेसिव हो जाए, थर्मल पॉल्यूशन हो जाए, तब ये इनको खतरा हो जाता है। थर्मल पॉल्यूशन का क्या मतलब है? थर्मल पॉल्यूशन का ये मतलब है कि ओशन के आसपास अगर कोई थर्मल फैक्ट्री लगी है जो कि कोल का इस्तेमाल करती है पानी को गर्म करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो जो गर्म पानी है वो फैक्ट्री क्या करती है, ओशन में छोड़ देती है, और बाजू में जो ओशन होता है उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। टेम्परेचर राइज होने की वजह से ये जो वहाँ के कोरल रीफ होते हैं उनको मारना चालू कर देता है, क्योंकि वो ज़्यादा टेम्परेचर से सहन नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर ही सहन कर सकते हैं, ठीक है। और क्लीन वाटर भी चाहिए होता है, तो पॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए उनको। अब कोरल ब्लीचिंग इसकी वजह से होता है, जब इनको ये सारे थ्रेट होते हैं नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट्स के रूप में, तो कोरल ब्लीचिंग में क्या होता है कि इनका कलर जाने लग जाता है, जो इनका नेचुरल कलर है जो कि इनको जून थैली की वजह से मिला है, वो उन कलर उनका जाने लग जाता है, वो वाइट कन्वर्ट होने लग जाते हैं, वाइटिश में, ठीक है। और ये तब होता है जब जून थैली जो है वो धीमे धीमे उनकी डेंसिटी कम होती चली जाती है, किसमें, कोरल पॉलिप्स में। और ये कब कम होती है जून थैली की डेंसिटी, ठीक है, ये कब कम होती है, जब इनको थ्रेट आते हैं अलग अलग टाइप से जो हमने पीछे पढ़े हैं, ठीक है। अच्छा, जून थैली की डेंसिटी कम होती है तो इससे क्या होगा कि अब जून थैली छोड़ छोड़ करके जो कोरल पॉलिप्स हैं उनको जा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। रुकिए, हाँ, ये कोरल पॉलिप्स, मान लीजिए कोरल था, कोरल के अंदर ये पॉलिप्स थे, ठीक है, ये जो जितने भी ग्रिड वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सब पॉलिप्स हैं, ठीक है। इन पॉलिप्स में से जून थैली का बैक्टीरिया एल्गी छोड़ के चले गए, तो ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते थे, अब ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ छोड़ के चले गए, ठीक है। तो अब इस पॉलिप को खाना नहीं मिल पाएगा, इस कोरल को खाना नहीं मिल पाएगा, तो क्या होगा, कोरल डाई कर जाएगा, मर जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से मर जाते हैं। तो ये कब होता है, जब डेंसिटी ऑफ जून थैली जो है वो डिक्लाइन करती है और कंसंट्रेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फॉल्स, वो तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का कंसंट्रेशन फॉल होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कौन कर रहे थे, जून थैली के सेल्स ही कर रहे थे, ठीक है। कोरल्स जो हैं वो जून थैली को इस तरीके से लूज कर देते हैं ब्लीचिंग की वजह से, और जून थैली जो हैं अपने हरे हरे और कलरफुल पिगमेंट्स को लूज कर देते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने में मदद करते थे। अब कोरल ब्लीचिंग अगर बहुत लंबे समय तक हो जाए, इफ़ इट लास्ट लॉन्गर देन दी कोरल्स डाय, ठीक है, फिर फोटोसिंथेसिस जो है वो जून थैली के अंदर होता है ये पता है, लेकिन ये पॉसिबल तब नहीं होता जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या फिर बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर हो जाए तो भी पॉसिबल नहीं है। ये सब चीज़ें याद रखने वाली हैं। तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि मतलब कौन कौन से फैक्टर्स में ही ये कोरल जो है ये सर्वाइव कर पाते हैं। साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं सेल डिसइन्फेक्शन, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सेल डिसइन्फेक्शन में क्या होता है कि एक सेल होती है जिसका नाम होता है नाइडेरियन एंडोडर्मल सेल्स, नाइडेरियन एंडोडर्मल सेल्स, इस सेल का नाम याद रखिए। ये क्या होता है कि आपको पता होगा पॉलिप के अंदर जून थैली होता है, और ये जो जून थैली का सेल है, ये मान लीजिए अगर जून थैली का सेल है तो इसके पास एक अजीब टाइप का सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइडेरियन एंडोडर्मल सेल्स, ठीक है। ये नाइडेरियन एंडोडर्मल सेल्स क्या करते हैं, ये खाना को इकट्ठा करते हैं, जो आजू बाजू अगर कोई प्लैंकटन है या फिर कोई खाना चीज़ है, खाने वाली चीज़ है, तो वो उसको इकट्ठा करके पॉलिप में रख लेंगे या फिर अपने पास रख लेंगे खाने के तौर पे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बाहर निकल आती हैं, इनका डिटैचमेंट हो जाता है जून थैली से। अब जून थैली से जब इनका निकासत निकल गए तो जून थैली अपना खाना बना नहीं पाते हैं, एंड फिर दोनों ही टाइप के सेल, नाइडेरियन एंडोडर्मल सेल्स और जून थैली वाले सेल्स, दोनों ही इवेंचुअली एक्सपेल्ड हो जाते हैं आउट ऑफ द कोरल्स, ठीक है, निकल जाते हैं कोरल से। तो जून थैली और ये जो नाइडेरियन एंडोडर्मल सेल्स हैं दोनों ही निकल जाते हैं, ठीक है, फिर बेसिकली कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। अच्छा,
फिर एक चीज़ और, कुछ और भी कॉसेज है जिनकी वजह से कोरल ब्लीचिंग होती है, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ता है बहुत ज़्यादा, घटता है बहुत ज़्यादा, तो भी सीजनल इरेडियंस, यानी कि अगर गर्मी का मौसम आया और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया क्योंकि सनलाइट बहुत बढ़ गई है, ठीक है, तो ऐसे में अगर कोरल्स अचानक से एक्सपोज हो जाते हैं सनलाइट से, जिसके अंदर PAR यानी कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन और UVR अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, तो वो उसको हार्म कर सकती हैं, ठीक है, तो ऐसी दोनों रेडिएशन UVR और PAR ये हार्म करती हैं कोरल्स को। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और फोटोसिंथेटिक रेडिएशन ये दोनों ही ख़राब होती हैं ब्लीचिंग को लेकर के। फिर सब एरियल एक्सपोजर हम पढ़ ही चुके हैं कि अचानक से अगर यहाँ पर जो रीफ बनी हुई थी पानी के अंदर, अगर ये एक्सपोज हो जाए, ये ऊपर की तरफ उठाया ऐसे, और उठने की वजह से जब इसके ऊपर एयर एक्सपोज हो जाए, ठीक है, तो जब एयर एक्सपोज हो जाती है ना, तब यहाँ पर क्या होता है कि इस एयर के एक्सपोजर की वजह से ये जो है इनको नुकसान पहुँच सकता है। तो ये एयर का एक्सपोजर इसको कब मिलेगा, इस ये जो चीज़ है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कोरल्स, इसको एयर का एक्सपोजर कब मिलेगा, ये तब मिलेगा जब टाइड बहुत ज़्यादा लो हो जाए, यानी कि ये वाटर लेवल जो है बहुत ज़्यादा नीचे चली जाए। लो टाइड का क्या मतलब होता है कि ग्रेविटेशन मून की काम नहीं कर रही है ज़्यादा, तो उस केस में ये ओशन लेवल नीचे चला जाता है, तब ऑटोमेटिकली अगर ये फ्रिंज रीफ यहाँ था और ओशन लेवल ऊपर चला गया, तो ये फ्रिंज रीफ ऑटोमेटिकली ऊपर एक्सपोज हो जाता है एयर की तरफ। दूसरी तरफ एक और चीज़ हो सकती है कि आपको पता होगा एनसो रिलेटेड सी ड्रॉप होता है, यानी कि अब ये भी ज्योग्राफिक कॉन्सेप्ट है कि जब एल नीनो होता है तब क्या होता है कि ऊपर वाला पानी निकल जाता है किसी और दिशा में, तो पानी का लेवल इस एरिया में डिक्लाइन कर जाता है, कम हो जाता है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फ्रिंजिंग रीफ ऊपर आ जाएगी। टेक्टोनिक अपलिफ्ट होती है कि अगर यहाँ पर जो है ये ओशन के नीचे वाला जो क्रस्ट है वो ऊपर उठ जाता है अपने आप, तो फ्रिंजिंग रीफ भी ऊपर उठ जाएगा। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली सब एरियल एक्सपोजर हमें देखने मिलता है। सेडिमेंटेशन एक टाइप का प्रोसेस है जिसके थ्रू जो रिवर्स आती हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ पर रिवर आपको देखने मिलेगा, जैसे मान लीजिए ओशन है, ओशन में कोई आकर रिवर मिल रही है और यहाँ पर अपने सेडिमेंट्स इकट्ठा कर रही है, तो इस जगहों पर जहाँ जहाँ इसने सेडिमेंट इकट्ठा कर रखे हैं, यहाँ कोई कोरल आपको रीफ देखने नहीं मिलेगा। इसीलिए क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जहाँ रिवर्स होती है वहाँ पर आपको कोरल रीफ क्यों नहीं देखने मिलते, क्योंकि वहाँ सेडिमेंटेशन और न्यूट्रिएंट ओवरलोडिंग ज़्यादा हो जाती है, और ये न्यूट्रिएंट में ज़्यादा न्यूट्रिएंट में सर्वाइव नहीं कर सकते, सेडिमेंट्स में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, साथ ही साथ फ्लोइंग वाटर होता है रिवर का, तो वो उसको वहाँ जमा भी नहीं होने देता, कोरल रीफ्स को उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अब फ्रेश वाटर डाइल्यूशन नाम की एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से भी ये चीज़ होती है। क्या होता है कि भाई देखिए, अगर ये ओशन है, ओशन में पानी भरा हुआ था और बारिश हो गई यहाँ पे, तो अगर बारिश हो जाएगी तो बारिश तो फ्रेश वाटर होता है, तो इधर का जो एरिया था जहाँ पर पहले सैलिनिटी ज़्यादा थी, ठीक है, अब यहाँ सैलिनिटी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ फ्रेश वाटर अब ज़्यादा आ गया है, अब यहाँ का नमकीन पानी थोड़ा कम नमकीन होगा। तो ऐसे केसेस में क्योंकि ये नमकीन पानी के लिए अडेप्टेड होते हैं कोरल्स, तो वो इनको थोड़ा सा दिक्कत पहुँचा सकता है। हालाँकि ये कॉन्सेप्ट जो है फ्रेश वाटर डाइल्यूशन का बहुत रेयर है, बहुत कम एरियाज़ में ही हमें देखने मिलता है। फिर एक आता है कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो यूट्रिफिकेशन होता है, यूट्रिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में कि किस तरीके से एक किसी वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट की ओवरलोडिंग हो जाती है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ज़ूनथैली की डेंसिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन जो कोरल्स हैं उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। कोरल्स, आपको पता होगा, कोरल्स के साथ ही जो है ज़ूनथैली मिल के काम करते हैं, तो ज़ूनथैली को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो ज़ूनथैली की डेंसिटी तो इसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन इसकी वजह से कोरल्स जो हैं उनको डिजीज होने के जो है आपको चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनको डिजीज़ हो जाएगा, क्योंकि कोरल जो है न्यूट्रिएंट्स के प्रति उतने ज़्यादा अडेप्टेड नहीं होते। साथ ही साथ कोरल की जो रेजिस्टेंस है डिजीज़ को फाइट करने की, वो भी कम हो जाती है अगर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनके आसपास आपके दिखने मिल जाएंगे तो, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट डैट, एंड उसके बाद कुछ और भी रीजन्स हैं जैसे कि जीनोबायोटिक्स और एपिजूटिक्स, जिनकी वजह से हमको कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग देखने मिलती है। तो जीनोबायोटिक्स क्या होता है, इनमें कुछ कंटेमिनेंट्स हैं, कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं, ऐसे पॉल्यूटेंट्स जैसे कि कॉपर हो गए, हर्बिसाइड हो गए जो कि आपकी खेती में इस्तेमाल होते हैं वीड्स को मारने के लिए, और ऑयल हो गए, ये सब जिन एरियाज़ में डंप किया जाता है अगर वो कोरल रीफ के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाए तो वो उनकी ब्लीचिंग कर देंगे, पर ये बहुत ज़्यादा लोकल फिनोमेना है, ये कुछ ही इलाकों में होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइड प्रिवेलेंट फिनोमेना नहीं है। तो जीनोबायोटिक्स जो है बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें होगी, कॉपर, हर्बिसाइड और ऑयल जो कि कोरल ब्लीचिंग कराती हैं। एपिजूटिक्स ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि जो पैथोजेंस हो गए, पैथोजेंस आपको पता ही होगा, डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करते हैं उनको हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पैथोजेंस हैं वो कोरल्स के लिए पैथोजन होते हैं, क्योंकि कोरल्स जो हैं कोरल्स को ये डिजीज कॉज कराते हैं, यानी कि कोरल्स के लिए ये डिजीज लेके आते हैं। तो एक कोरल को अगर डिजीज हो जाती है तो पूरे के पूरे कॉलोनी में फैल जाती है, ठीक है। इनकी जो सॉफ्ट टिश्यू होती है कोरल की, उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं कौन, ये पैथोजेंस, ठीक है, ये डिजीज कॉसिंग
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग एपिजूटिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट ये होता है कि कोरल्स अपना कलर खो देते हैं। अब इसको आप मिसअंडरस्टूड इस बात से ना करिएगा कि उनकी ब्लीचिंग हो गई, ठीक है, वो अपना कलर खो देते हैं बस, कौन कोरल, जो कोरल्स हैं, ठीक है। अभी बेसिकली करता कौन है, इस टाइप के एपिजूटिक्स होते कौन है, तो ये बेसिकली एक टाइप का प्रोटोजोआ होता है जो डिसकलरेशन करता है किसकी, ये हमारे कोरल रीफ्स की। तो ये सब था हमारे इस वीडियो को लेकर के, इसी के साथ हमारे चैप्टर एक्वाटिक की कुछ सिस्टम खत्म होता है, ठीक है। बाकी कुछ प्लान्स है, गवर्नमेंट के मेजर्स हैं, वो आप अपने आप से पढ़ सकते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो उसमें सब कुछ सब उसमें को समझाने ऐसा नहीं है, उसमें आपको सब कुछ पढ़ना है, उसमें किस तरीके की इनिशिएटिव ले गए, क्या किस तरीके से गंगा एक्शन प्लान आया, तो ये सब उसमें उस तरीके का है, तो कुछ समझाने लायक नहीं है उसमें। और इसी तरीके से हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगले चैप्टर में हम लोग एनवायरनमेंट पॉल्यूशन शुरू करेंगे, चैप्टर 5। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए हमारे इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल पर, अगर आप नए आए हैं तो कमेंट करिए किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।